अपनी साक्षी सुनाऊंगा आज आपको, बहुत सारी बातें हैं, अनंत है, विराट है, अगाध है, अनुपम है, बहुत सारा है, संभाल नहीं। लुइया, हालेलुया। मैं बहुत छोटा था, मैंने अपने पिता से पूछा, पिताजी मेरा गुरु कौन है, मुझे गुरु देखना है। मेरे पिताजी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट में, और मैंने दिल से कहा, क्योंकि मेरे पिताजी भी गुरु थे, और मैं देखता था वो पातंजलि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हमारे यहां अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पिताजी बोले मैं तेरा गुरु। मैंने कहा आप गुरु ना हो सकते भैया। बोले कैसी बात करता है, मैं सातवीं में पढ़ रहा था। मैंने कहा पापा आप सिगरेट पीते हो, बड़ा गोल गोल धुआं फेंकते हो, आप मेरे गुरु ने, और मम्मी से लड़ते हो, पापा को बड़ा खराब लगा मेरे कि कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा मुझे सच्चा गुरु चाहिए जिसके बारे में मेरे ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मश्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वाधि साक्षीभूतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम नमामि। गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परा ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ गुरु मुझे चाहिए, ये कहाँ है, एकम नित्यम विमलम अचलम ये पावन पवित्र करुणामय दयालु ये है कौन। मैं घर में खूब गुरु आते थे, तो साधना सिखाऊंगा, और उस समय मैं आठवीं कक्षा में था। तो पिताजी ने कहा यदि तू तंत्र साधना सीख लेगा, किसी देवी देवता को प्रसन्न कर लेगा, तो तेरे को गुरु की तलाश नहीं पड़ेगी, तू खुद गुरु बन जाए। मैंने कहा ये अच्छी बात लगी, मैं अपने गुरु खुद बन जाऊं। अरे वाह, तो मैं को पिताजी ने सिखाना प्रारंभ किया, और वो दुर्गा सप्तशती साधना प्रारंभ करवाई, 9 दिन की उपासना, और 9 दिन मैंने चालू किया, और दिल से किया, आत्मा से, आठवीं कक्षा में था, और बड़ी लगन, बड़ी श्रद्धा, बड़ी तन्मयता के साथ, कि मैं जानना चाहता हूं कहां है वो, मिल भर जाए। और मेरी बंदगी चालू हुई, वो 9 दिन की साधना की, और जब वो 8वां दिन कंप्लीट होके 9 की नाइट में मैं अपने कमरे में सो रहा था, और वो जमीन में ही सोना था, तो मैंने क्या देखा, मेरे पलंग के बिस्तर में एक औरत आके बैठ गई, और उसका पूरा शरीर औरत का और वो चेहरा सुअर का, और मैं से बोलती है हाँ भैया बुलाए हो तो आ गए हैं। अरे मैं तो उसको देख के तो आपने तो डर की बात तो छोड़िए, डर की भी पराकाष्ठा, हम तो होश ही खत्म, पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया उस दृश्य को, उस आत्मा को देख के, और मुझे पता ही नहीं, और कुछ दिनों तक मेरे को होश ही नहीं। लेकिन जब मैं होश में आया, एक बात मुझे पता चली कि जो चीज मेरे पिताजी सिखा रहे थे उसका गुरु से कोई लेना देना नहीं है। वो पता नहीं कहां शुरू हो रही थी, खत्म मेरी जीभ से हो गई, मेरी जीभ बाहर निकल आई। हालेलुया। बोले परमपिता की। लेकिन एक घटना घटी कि मैं समझ गया मैं ये मुझे ये नहीं चाहिए। फिर भी मेरी तलाश जारी थी, मैं छत में चढ़ के एक बात बोलता था, अगर मेरा गुरु मुझे जंगल में भी मिल जाएगा तो मैं अपना सर्वस्व त्याग के उसके पीछे जाऊंगा। और अद्भुत घटना घटी, मेरे दोस्तों के साथ बैठ के हम चर्चा करते थे कि यार ये गुरु कौन है। एक अद्भुत बात जो गुरु के लिए हमको मिलती है, अज्ञान तिमिरांधा से ज्ञान अंजन सालाक्य चक्षु उन्मीलितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान के अंदर के चक्षु खोलता है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत नयन उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। वो कौन है, वो जो दिखावन हार है वो है कौन। मेरे दोस्तों के साथ बैठ के हम चर्चा करते, दीवानगी फिर भी चालू, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, मैंने मेरिट लिस्ट बनाया 12th स्टैंडर्ड में, मेरा एडमिशन सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है रामजस कॉलेज, मैं कॉलेज गया, हमारा शेड्यूल बहुत छोटा सा, 23 साल पुरानी घटना है ये, और मैं गांव का था। जब मैं दिल्ली पहुंचा, इतना विराट दिल्ली, इतना बड़ा नगर, महानगर, हमारे देश की कैपिटल, और उस भीड़ चकाचौंध को देख के मैं भटक गया। मेरे कॉलेज में जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी थे सारे बड़े बड़े घरों के, और वो 7 दिन 6 दिन आते, 6 रंग की गाड़ी लेके आते, और किसी के यहाँ रिवॉल्वर लगी, कितनी बड़ी बड़ी चेने सोने, और बड़े उद्यमी, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले चल हमारे साथ, हम तेरे को अमृत रस पिलाएंगे। मैंने कहा ये अमृत रस क्या होता, दारू। अच्छा,
हम भी हो लिए उनके साथ। कुछ महीने बाद मैं उनका दादा बन गया, वो मेरे चेला बन गए। और वो इतना उधम और बदमाशी जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ एक्टर मेरे कॉलेज के मेरे साथ के पढ़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज वो सिंगर बन गए, कोई कुछ बन गया। मेरे साथ के पढ़े हुए कुछ आईएएस हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, कुछ लोग नेता हैं। मुझे उस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन कॉलेज में पढ़ते समय मेरी जिंदगी बिल्कुल दूसरी दिशा में चली गई। मैं बड़ा दुखी, अंदर अंदर एक मेरे को कछोड़ता था कुछ कि कुछ गड़बड़ है। कॉलेज में जेम स्टेशन प्रोग्राम था, अमिताभ बच्चन आए थे, हेमा मालिनी, शक्ति कपूर और जस्सी। परमपिता की जय। मैं आपको बताऊं, मैं वो पुस्तक नहीं पढ़ पाता, जैसे खोलूं चादर आए। और ना मैं इस आदमी को भी बताने में डरूं कि अगर इसको बताऊंगा तो ये सोचेगा ये पागल है, तो डर के मारे इस बात को मैं नहीं बताता था। और आपको मैं बताऊं प्रियो, मैं 40 दिन तक इस आदमी से मिलता रहा। मैं रोज बोलूं, भैया मैं आपके बर्तन धो दूंगा, आपकी मंडली जो लगती इनकी कुर्सियां साफ कर, लेकिन मेरे को एक कथा सुनाइए, क्योंकि ये कथा मेरी जिंदगी को बदल रही है। शराब पीना बंद, लड़ाई झगड़ा बंद, मेरी जिंदगी यू टर्न ले ली, एकदम अद्भुत यू टर्न। मैं अपना कमरा छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, उन्हीं के कलीसिया में रहने लग गया। मैंने कहा मैं यहीं रहूंगा भैया, मेरे को मत भगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको बताऊं प्रियो, वो चादर नहीं जाती थी, मैं ये लेके घूमता था लेकिन पढ़ नहीं पाता था। एक दिन उस पास्टर ने कहा कि यहां पर एक बड़ी सभा होने वाली है और एक दास प्रभु के कोरिया देश से आने वाले हैं, आप भी आइए। और मैं सबसे पीछे बैठा था, ये पुस्तक को हाथ में लिए, इस डर के भाव से अगर ये प्रवक्ता कुछ पूछेगा तो मेरे को तो कुछ आता नहीं है, तो मैं सबसे पीछे बैठा था। लेकिन प्रवक्ता ने प्रवचन दिया और खड़े होके कहा, मुझे अच्छे से याद है जैसे कल की बात हो, उसने हाथ उठाया, बोले मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा छुएगा। इंग्लिश में बोलते हैं होली स्पिरिट। मैं सोचा कहां छुएगा, कैसे छुएगा, हम लोगों के पास ये शब्द नहीं है, छुएगा। मैंने कहा कैसे छुएगा, और होली स्पिरिट, इंग्लिश में उन्होंने कहा होली स्पिरिट, हमारे यहां स्पिरिट होता है जिससे नेल पॉलिश हटाते हैं। मैंने कहा अच्छा ये होली स्पिरिट है, कुछ हटाएगा। और जैसे उन्होंने प्रार्थना की, पहले तो मुझे बॉडी में करंट सा लगा, तो मुझे लगा कोई तार है क्या करंट की, तो वो धीरे धीरे करंट मेरे शरीर में चढ़ा और मेरे को तो 440 वोल्ट का करंट शरीर में दौड़ा। मेरे को तो बिल्कुल लगे कि मैं मर गया भैया, बिजली का करंट। और मेरे जुबान, ये जो जीभा है, अपने आप घूमने लग गई और मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, जो भाषा मैंने आज तक नहीं बोली ना मैं जानता हूँ। अरे पता नहीं क्या बोल, और एक ही चीज से कोई मेरे को आसमान में ले गया, धुआं ही धुआं। और एक विराट हाथ जिसके दोनों हाथ में छेद है, उससे आवाज निकलती है, नित्यानंद अपना जीवन मेरे को दे दे। प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, भो परिशांता भारा क्रांतस्य सर्वे मम समीप मायात तेना अहम युष्मान विश्रामिष्यामि। मैं वो हूं जो थके और बोझ से दबे लोगों को अपने पास बुलाता हूं और उन्हें विश्राम देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं जब आंखें खोली मैंने, अरे लगे कि कहां का कोई शराब पिला दिया है, ऐसी शराब तो बिल्कुल होश नहीं। और मैं हंस भी रहा हूं, रो भी रहा हूं, और एक ही चीज मैं बोल रहा हूं, प्रभु, प्रभु जी, बचपन से आपको खोज रहा था, आज आन मिले हो, अब मेरे हृदय के बादशाह बन जाओ। Amen. मेरे हृदय के साजन बन जाओ। Yes. मेरे हृदय के प्रेमी बन जाइए। Yes. प्रियो, मैं उठा उस बंदे से, मैंने कहा जो किसी का डर नहीं, ऐसा लगे मेरे पंख निकल आए हैं। Amen. और आज एक बात मैं आपसे बताता हूं प्रियो, सच कहता हूं, वो व्यक्ति वहीं मर गया, मैं नया व्यक्ति हूं, ये मुझे पता है। Amen.
यूहन्ना अध्याय 14 उसके 27वें श्लोक में प्रभु यीशु कहते हैं, मदी शांति उष्मभ्यम ददामि यथा जगतो ददाति न अहम युष्मभ्यम ददामि, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसी नहीं, अपनी शांति। और वो शांति मैं आज अभी इसी समय 23 साल हो गया खत्म नहीं होती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे मुझे लगा क्या खजाना मिल गया है। मैंने उसी दिन उस गुरु की दीक्षा ली और ये निर्णय लिया, जीऊंगा इसके लिए, मरूंगा भी इसी के लिए। और मुझे न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न अपदूत न वर्तमान न भविष्य न स्वर्ग की शक्ति और न पाताल की और न कोई अन्य श्रेष्ठ वस्तु उसके प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर पाया। आमीन। मैं भागा भागा अपने घर गया, अपने मित्रों को बताया, अपने परिजनों को। अरे बड़ी मार पड़ी भाई, मैं लगा सब खुश होंगे, जिंदगी बर्बाद हो रही थी आबाद हो गई, लोग खुश होंगे। अरे मेरे पिता ने तो मुझे इतना मारा फुटबॉल जैसे बिल्कुल, और जहां देखो गाली पड़ा। मैंने कहा ये कौन सा रास्ता है भाई, कोई खुशी नहीं हो रहा है, गाली मिल रही है, लात मिल रही है, फुटबॉल जैसे खेले जा रहे हैं, टूर्नामेंट होने लग गया हमारे शरीर से। और मेरे को लगा ये बड़ा कठिन रास्ता है भाई, कोई खुश नहीं हो रहा। मेरा एक मित्र जो हमारे साथ पढ़ाई किया स्कूल में, उसको प्रभु ने छुआ, उसका भाई एक आंख से देख नहीं सकता था, उसकी आंखें खुल गई, वो बड़े प्रभु के भक्त बन गए। और जब वो भक्त बन गए, मेरे घर में न्यूज पहुंची, मेरे पिता ने कहा तू तो बन गया, पूरे मोहल्ले को कह बना रहा है, फिर मारे फिर टूर्नामेंट। अब मैं कहा प्रभु कहां चला जाऊं, और टीवी में प्रोग्राम आ रहा था ETC चैनल में DGS दीनाकरण का, आज से 22 साल पुरानी घटना है। मेरे को प्रभु ने कहा जा इससे मिलने चला जा। मैंने अपनी बाइबल उठाई, अपना एक जोड़ी कपड़ा, और मैं चल दिया, निकल गया। 1200 रुपए मेरे जेब में थे। जब मैं निकला, निकले गोवा पहुंचे, मुंबई पहुंचे, गोवा पहुंचे, गोवा में मेरा पैसा गोवा हो गया। अब मैं स्टेशन में सोऊं, वहां पानी पीऊं, धीरे धीरे चप्पल भी अजीब टाइप की हो गई, चप्पल भी निकल गई, प्रभु चप्पल भी ले लिए मेरी। अब मैं कहा एक चर्च में गया, रोते रोते मैंने कहा प्रभु तेरा मार्ग बड़ा खतरनाक है, चप्पल भी टूट गई मेरी, पैसे भी खत्म हो गए, मैं बाहर सो रहा हूँ, नल का पानी पी रहा हूँ। और आपको पता है बड़ा सा चर्च, ह्यूज चर्च, वहां कोई नहीं, एक आदमी बैठा सफेद कपड़ा पहने। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर देखिए मैं इनके पीछे हो लिया, बड़ा परेशान हो गया हूँ, घर और सब छोड़ छाड़ के आ गया, जा कहां रहा हूं ये भी पता नहीं, पैसे भी खत्म हो गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, एक कागज दिया मुझे, बोलिए तेरे लिए। आपको पता है प्रियो, उन्होंने मुझसे कहा जिस गुरु के पीछे तुम जा रहे हो उसने कहा है आकाश के पंछियों के घोंसले हैं और लोमड़ियों के मांदे हैं, परंतु उस मानव पुत्र के पास सिर रखने के लिए भी स्थान नहीं था, ऐसे गुरु के पीछे तुम हो लियो हो। मेरे तो झंझना गया शरीर, और प्रभु ने मुझसे कहा तेरे को भी मैं ऐसे ही साधु बनाने के लिए बुलाया हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की जय। आपको पता है मैं ऐसे ही वो चीट लिया बाहर निकला, बाहर निकल आया, मेरे को लगा भैया धन्यवाद तो दूं उनका, देखा तो वो है ही नहीं। मैंने कहा चले गए भैया वो। अच्छा जब मैं बिल्कुल दूर चला आया तब मेरे होश में आया कि साक्षात प्रभु यीशु मसीह मेरे को दे दिए। आमीन। मैं सहज सरल रूप में आपको बता रहा हूँ, प्रभु हमारे बीच में विराजे हुए हैं, हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती, घटित हो रहा है, हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। 1 साल मैं घर से फरार था, DGS दीनाकरण से मिला, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, अपने पास रखवाया। 1 साल मैं चेन्नई में था, 1 साल फरार छुपा हुआ, प्रार्थना बंदगी उपवास वचन, इसके अलावा कुछ नहीं। और 1 साल बाद प्रभु मुझसे कहते हैं जा उत्तर भारत में, और मैं उत्तर भारत में आया, पुलिस मेरे को पकड़ ली, उत्तर मिल गया। पुलिस मेरे को पकड़ ली, मेरे मौसा IG थे कैलाशनाथ तिवारी जी, सब लोगों ने, मेरे भाई साहब भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और सब लोगों ने बड़ी बिसात बिछाई हुई थी, और मेरे को वहां उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के घर लाए, और घर लाने के बाद मेरे को कमरे में बंद कर दिया, और नीचे से खाना जा रहा है 3 दिन तक। मेरे को लगा मैं कि जेल में हूं,
नीचे से भोजन। अब 3 दिन कंप्लीट मैं अंदर अंदर प्रार्थना करूं, प्रभु अभी मेरे को जरूर मारेंगे अभी, तो अब आप मेरी रक्षा करना, अब आगे करना क्या है आप ही बताओ। आपको पता है 3 दिन बाद वो मेरे को जब बाहर निकाले तो मेरे मामा पक्ष के, मेरे चाचा पक्ष के कम से कम 100 लोग मेरे को देखने आए, क्योंकि 1 साल से मैं गायब था और वो ढूंढ रहे थे मेरे को कि मर गया है, गया कहां। कुछ लोगों ने FIR दर्ज कराई थी कि ईसाइयों ने इसको क्रूस पे टांग दिया है, बलि कर दिया है। ऐसी ऐसी भ्रांतियां, ऐसी ऐसी पागलपंथियां हैं, कुछ भी बोलते लोग, रिपोर्ट दर्ज थी। आपको बताऊं प्रियो, मैं मुझे उन लोगों ने बाहर निकाला और एक कमरे में बैठाया, भीड़ लगी मेरे को देखने के लिए। और पहला प्रश्न, सब लोग ज्ञानी, हमारे यहां सब पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग मुझसे कहते हैं, ये बताओ यीशु को क्यों पकड़े हो। मैंने कहा मैं कहां पकड़ा, वही पकड़ा, छुड़ा लो। बोले मजाक करता है हम लोग से। मैंने कहा मजाक क्या कर रहा हूं, वही पकड़ा है, मैंने नहीं चुना उनको, उन लोगों उन्होंने चुन लिया मेरे को, मैं क्या बताऊं तुमको। तुम घर से क्यों भागे, कौन है तुम्हारे पीछे, मैं कहा बताऊं कि मैं कहां गया, कौन है मेरे पीछे आगे पीछे, यीशु तुमको नहीं दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाव कहा ना क्लेदंत्यो तापः ना शोष्यति मारुतः। आत्मा को कोई भी तत्व मार नहीं सकता, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती, कोई भी उसको कष्ट नहीं दे सकता, मार नहीं सकता। अरे मैंने कहा तो फिर अमर हो नित्यानंद, करो धम, कोई नहीं। अब मैं जब बाइबल पढ़ा उसमें लिखा है उनसे मत डरो जो तुमको तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा के साथ कुछ नहीं कर सकते, उससे डरो जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखता है। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, मुझे उत्तर मिल गया। बहुत सी बातें जो मुझे समझ में नहीं आती थी वो मेरे को जब मैंने नया नियम 4 जो गॉस्पल पढ़े उन्होंने पूरी जिंदगी के सारे क्वेश्चनों का उत्तर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहां हवन करते हैं ना, हवन होता, हवन का मतलब होता है सैक्रिफाइस, यज्ञ। हम बचपन में सुनते थे ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो ईश्वर का बेटा है उसके नाम का स्वाहा ले। अब समझ में, अरे हम तो ओम कन्नीसुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के घर से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। स्वाहा मतलब खत्म। मैं कहा है ओम रक्षा सुलारुंदाय नमः स्वाहा, जो लकड़ी पर टांग दिया गया उसके नाम का स्वाहा। दादा ये क्या है, ले ओम पंचाकाय नमः स्वाहा, जो 5 घाव ले लिया अपने ऊपर उसके नाम का स्वाहा। ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, जो मर के जी उठा, ले कंप्लीट हो गए। अब कहां जाओगे दादा, वही तो है ही है चारों तरफ। Amen. भाई बलिदान किसको कर रहे हो, लकड़ी को, कंडा को, घी को, ये कोई बलिदान करने वाले। अरे वो तो सृष्टि करता धरती पर आके खुद ही बलिदान हो गए। Amen. खुद ही बलिदान हो गए। इससे बड़ा, इससे सुंदर यज्ञ हो ही नहीं सकता। वो पूरा होता है प्रभु के ग्रंथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक नेताजी के घर में गया, उनका अरे मेरी बेटी की शादी, आशीर्वाद देने। पंडित जी बैठे, स्वाहा, लड़की के बाप को बोला स्वाहा, उनके मामा को बोला स्वाहा, अरे वो कहा है स्वाहा। मैं भगा वहां से, मैंने कहा पंडित जी मेरा भी स्वाहा न कर देना। प्रभु यीशु जब क्रूस पे थे उन्होंने 7 वाणियां बोली, कितनी, 7। और जब वो सृष्टि कर रहे थे तो 7 दिन में उन्होंने सृष्टि का सृजन किया है। और वो जो 7 वाणियां बोली, बड़े ध्यान से पढ़ोगे, वो आत्मी, आत्मी के मनुष्य के आत्मिक जीवन के सृजन की बातें हैं। हालेलुया। उसमें आखिरी बात है पूर्णम, पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ, फिनिश। उसको हम लोग बोलेंगे अगर वैदिक भाषा में, इति स्वाहा, आखिरी स्वाहा यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है। इति स्वाहा, अब खत्म, अब कुछ नहीं, मैंने सब पूरा कर दिया है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। और वो जब मिल जाएगा आपको, उसके बाद करने लायक कुछ नहीं बचता। मैं मेरे को घेर लिए, बोले कौन बता किसके पीछे जा रहा। मैंने कहा वही जो सब स्वाहा कर दिया है, सब स्वाहा। वो मेरी बातों को, पागलपन लगे उनको,
तो मेरे बड़े भैया और जीजा जी खड़े हुए और मेरे भाई साहब ने कहा गोली मार देंगे तेरे को अभी, अब ज्यादा इशू जपेगा तो। मेरे जीजा जी और भैया ने मेरी कॉलर पकड़ के मेरे को ऐसे उठा दिया। मैंने कहा तुम ये बोलते हो तो ये जानोगे कि मेरा प्रभु कौन है? मेरे को पटक दिए जमीन में, छोड़ दिए, मैं गिर गया। और मैं उठा, मैंने कहा दादा कहीं सही में ना मारने लगे, क्या भरोसा आदमी का। मैं अंदर घुसा, मैं अपने कमरे में जहां मैं बंद था, मैं खुद ही बंद कर लिया अपने आप को और सिटकिनी लगा लिया। अब सारे मेहमान पूरे चाचा मामा दीदी के सास ससुर सास सब आए मिलने के लिए। अब सब हमारे काफी बड़ा घर, सब अपने अपने कमरे में रुके उस रात को, डिनर विनर करके सब वहीं रुक गए घर में। अब रात के 1:30 बजे एक अद्भुत घटना घटी। एक कमरा बीच वाला, वहां मेरे मामा जी और मेरे जीजा जी और मेरे बड़े भैया, वो जो दोनों मेरा कॉलर और गला पकड़े हुए थे, वो तीनों वहीं सो रहे थे। रात की आवाज आई, हो हो हो। अब सब भड़ भागे, भैया कौन मार रहा किसको, ऐसा लगे जैसे कोई किसी की गर्दन काट रहा है, ऐसा चिल्लाए आवाज आ रही इतनी जोर जोर से। भागे सब, दौड़े और भड़बड़ाने की दौड़ने की आवाज आई। मैं भी अपना दरवाजा ऐसे ऐसे किया तो मेरा दरवाजा खुल गया, मेरा दरवाजा मुझे लगा वो बाहर से बंद, पता नहीं कैसे खुल गया। खुला तो मैं भी दौड़ा, हम सब दौड़े उस कमरे की ओर जहां से आवाज आ रही थी। और जब हम वहां पहुंचे, लाइट चालू किए, क्या देखते हैं, मेरे जीजा जी और बड़े भैया एक दूसरे का गला पकड़ के दबा रहे हैं, एक दूसरे का गला पकड़ के दबा रहे हैं, और मेरे मामा उनको अलग कर रहे हैं। हम सब लोग वहां पहुंचे, भीड़ लगा के उनको अलग किए बड़ी मुश्किल से। और मेरे पिताजी कहते हैं कि गांजा पियो हो के दारू रात में, रात के 2 बजे कहे चिल्ला रहे हो? अब बेचारे कपे जाएं। और मेरे से बोलते हैं, हमारी ओर सब लोग बैठे, मेरी ओर उंगली इशारा करके बोलते हैं, ये कर रहा है जादू टोना, ये कर रहा। मैं कहा बोला था। और मैं आज आपको बताऊं, दोनों हाथ जोड़े बोले, भैया हमको माफ कर दो। मेरी माता जी बोलती, बेटा तेरे भगवान तेरे देवता नाराज हो गए तो नारियल चढ़ा ले, कुछ चढ़ा ले बेटा, तेरे भगवान नाराज हो गए, हमारे बड़े दामाद हैं उनकी जान लिए, बेटा तेरा भाई है। मैं कहा माता जी इनको बोलो। वो बड़े प्रार्थना के साथ नम्र होके झुक गए। और तब की तिथि है, आप कभी मेरे घर आओगे तो ये बात मेरी माँ भी बताती है, तब की तिथि और आज की तिथि उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया। और मेरी माँ मेरा बड़ा ख्याल रखती है, इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रणाम किया है और आपके लिए प्रथम शब्द अभिवादन का दिया था आज के प्रवचन में। मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं और मेरी ये प्रार्थना है कि वो पूर्ण रूप से प्रभु को समझ सकें, जान सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको एक बात बता दूं प्रियो, मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे खानदान में सबको पता है मैं यीशु का भक्त हूं, और प्रभु ने मुझे ऐसी पोजीशन में रखा है कि मुझे कोई उंगली नहीं उठा सकता। Amen. और मैं यीशु मसीह के कारण उनके लिए गर्व का कारण हूं, और ये प्रभु का काम है और किसी इंसान की औकात नहीं, ताकत नहीं कि ऐसा कर सके। यीशु मसीह किसी के भी हृदय को बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस सभा के माध्यम से गुजरात की इस भूमि पे एक बात कहना चाहता हूं, हमारे हिंदू समाज को भी, यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया है। यह बात मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है। प्रभु यीशु का सारा प्रोजेक्ट आपके हृदय के बदलाव का है, आपकी आत्मा के बदलाव का है। एक कपड़ा पहन के कोई साधु नहीं बनता, साधु एक स्वभाव है जो किसी में भी जा सकता है, और बाइबल आपको साधु स्वभाव देने के लिए बुलाई गई है। हालेलुया, बाइबल वो पुस्तक है जो व्यक्ति का निर्माण करती है, परिवार का निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है, राष्ट्र का निर्माण करती है, और सारे युग को बदलने की ताकत रखती है। आज हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए, हमारे जीवनों में, हमारी जिंदगियों में प्रभु यीशु ने कार्य किया है प्रियो, हमारी जिंदगी को बदला है उसने। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं घर से फिर नहीं गया, रुका। और आज मैं आपको बता दूं ये बात कि मेरे क्लास के पढ़े हुए अधिकांश बच्चे सब यीशु जी के भक्त हैं और सेवक हैं।
और उन सब की जिंदगियों को प्रभु ने बदला है। किसी का पुलिस केस, किसी का कोर्ट केस, किसी की जिंदगी में बर्बादी, सबके जीवन को प्रभु ने रूपांतरित करके उनको ज्योति और नमक और खमीर ठहराया है। हालेलुया। एक बार ऊपर ताली बजाएंगे यीशु जी के लिए। नीति वचन अध्याय 8 उसके 35 और 36वें श्लोक में प्रभु का वचन कहता है, मेरे पुत्रों जो मनुष्य मुझको पाता है वो जीवन को पाता है और वो प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है, परंतु जो मुझे चूक जाता है वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तिमाई का पुत्र अंधा बरतिमाई यरीहो नगर की सड़क पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था और प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से गुजरते हैं। अंधा देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है और लोगों से पूछता है, ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़ की आवाज क्यों है? लोग बोलते हैं, यीशु मसीह जा रहा है। वह जोर से चिल्लाता है, उसको पता है चंगाई देने वाला, जीवन देने वाला, कहता है, यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कीजिए। जब वो चिल्लाता है यीशु जी तो नहीं सुनते लेकिन लोग कहते हैं, चुप बैठ, ये पकड़ा ठंडी एक रुपया हल्ला नहीं कर। वो बोलता, नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं जानता हूं। आपको पता है जब ईश्वर, अब मैं एक बात बताऊं प्रियो, जब यीशु जी का आगमन होता है हमारी जिंदगी में हम जानते हैं, हमें आभास होता है। आपको बताए आत्मा को कोई नहीं देख सकता, पर मैं आपको बताऊं आप आत्मा को देख सकते हो। आमीन। आप आत्मा को देख सकते हो। मैंने भूतों को देखा है। yes. जज साहब मेरे साथ हैं, हम लोगों ने भूतों के अनुभव किए। जज साहब न्यायाधीश, हम दोनों साथ रहते हैं, समय साथ साथ बिताते हैं। अभी इनका ट्रांसफर हो गया छिंदवाड़ा में, लेकिन मेरे पास 8 महीने थे, हमने भूतों का अनुभव किया है। मैं गाड़ी में जा रहा था एयरपोर्ट, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी रोक दी। मैंने कहा काहे रोक दिया? बोले बिल्ली रास्ता काट दी। मैंने पर करना क्या है? बोले गुरुजी थोड़ा रुक जाइए, अगला आदमी निपट जाए। मैंने कहा बात, तू एक और पंप पा लेगा? मैं तो कहता हूं आदमी रास्ता काट दे तो रुक जाना, सबसे खतरनाक आदमी, उससे बड़ा भूत ही नहीं होता। आदमी से बड़ा भूत ही नहीं कोई, आदमी बड़ा खतरनाक है। और जहां जाओ आदमी मिलते, जहां जाओ आदमी। जज साहब बोलते, गुरुजी मैं थक गया हूं, कौन सी ऐसी जगह जाऊं जहां आदमी ना मिले? मैंने कहा प्रभु आप भी तो आदमी ही हो, कहां जाओगे, कहां भागेंगे हम? जहां देखो वहां इंसान, जहां देखो वहां इंसान। हम लोग चांदान में जाएंगे वहां भी, वहां से कचरा फेंके। आपको पता है प्रियो, गुस्सा एक स्पिरिट है और जब आपको गुस्सा आता है तो वो दिखाई देता है ना? प्यार एक स्पिरिट है और जब आपके अंदर प्यार होता है तो वो झलकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। अब एक ऐसी चीज मैं करने वाला हूं, आपके पास से स्पिरिट बाहर आएंगी तो हल्ला नहीं करना, वो दिखेगी नहीं पर है, ठीक है? हेलो, yes. अब धीरे से खड़े हो जाइए, यहां आएंगे मेरे पास चुने हुए लोग जिनके हृदय में रियल में सेवा का भाव है, इस भीड़ से आएंगे मेरे पास, रियल में सेवा करना चाहते हैं। मैं अनॉइंट करूंगा आपको, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा आपको। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में, आजा प्रभु तू आजा मेरे यीशु मेरे दिल में मेरे तन में, आजा मुझको चंगा करके
मेरे हृदय को साफ कर दे जी प्रभु, जीवन का जल तू ही प्रभु, जीवन का जल मुझ पर दया करो, मुझ पर दया से मेरी तू प्यास बुझा, तेरे इशारों पे चलना सिखा, इंसान इस बात को गहराई से बोलेगी, वचनों से मेरे तू प्यास बुझा, तेरे इशारों पे चलना सिखा, दुनिया मुझे मोहब्बत करे ना करे, मेरे अपने मुझे चाहे ना चाहे, मुझे मेरा इशू आत्महत्या कभी नहीं करूंगा, मेरा शरीर ईशु का मंदिर है, मैं इस मंदिर को नष्ट करने का अधिकार दूंगा उसका। हाथ ऊंचा करके और इस गीत को गाएंगे, आसमानी आनंद, एक आसमानी आनंद है, वो आनंद मिलता है इस दुनिया का कोई चीज, कोई भी सुकून, कोई भी मौज, कोई भी मस्ती उसके मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती। दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे, दाता तू मुझको आनंद दे, आत्मा से मेरा अभ्यंतर भर दे, तू ही प्रभु जीवन की जो, तू ही प्रभु जीवन की जो, मुझ पर दया आपका प्यार, आपकी उन्मादता, आपकी दीवानगी,
यीशु मसीह को दीवानों से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है। उसका नशा अद्भुत नशा, कोई शराब इस संसार में इतनी पावरफुल नहीं जितना यीशु मसीह का नाम है। कोई नशा इस दुनिया में बड़ा नहीं जितना बड़ा यीशु मसीह का प्यार है। पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ हमारे बीच में बैठा है, अनंत है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और दुनिया की कोई ताकत आपकी इस भक्ति को नहीं रोक पाएगी, कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई भी सत्ता इस मोहब्बत को नहीं रोक सकती। यीशु मसीह की मोहब्बत है, ये हमारे दोस्त की मोहब्बत है, हमारे महबूब की मोहब्बत है। कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का मेरा उपवास इसकी आशीष है, मैं तुमको लेके जाता हूँ। जो मेरा अभिषेक मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया, मैं तुमको दिए जाता हूँ। Receive in the name of Jesus. Receive. Receive it. Take it. Take it. Take it.